दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अभी पिछले सप्ताह मुझे मौका मिला भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने का। चल रहे हैं हम, सुन रहे हैं हम। जैसे यात्रा दिल्ली से उत्तर प्रदेश की तरफ जा रही थी, तो उस दिन मैं भी यात्रा में शामिल हुआ और मुझे मौका मिला पूरे माहौल को देखने का, लोगों की प्रतिक्रियाओं को सुनने का, देखने का, उनसे बात करने का। और साथ ही साथ राहुल गांधी, जो इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे हैं, उनसे बातचीत करने का भी मौका मिला। जैसा हम ये जानते हैं कि ये यात्रा करीब 100 दिन से ऊपर, 110 दिन से ऊपर पूरी कर चुकी है और अभी इसने 3,500 किलोमीटर का रास्ता जो तय किया था, उसमें से मुख्य रास्ता तो तय हो गया है। 12 राज्य, 2 यूनियन टेरिटरीज़ को इसका जो जाने की योजना थी वो पूरी होने पर आने वाली है। इसकी परिणति श्रीनगर में होने वाली है। तो यात्रा में पहले तो इसके ऊपर अभी तक मीडिया की चुप्पी थी, मीडिया इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा था, इसका ब्लैकआउट था। और पिछले कुछ दिनों से, जब से कुछ हालात खड़े हुए हैं कि यात्रा का प्रभाव मीडिया के बायकॉट के बावजूद जब यात्रा का प्रभाव पड़ रहा है, तो इस सरकार ने सबसे पहले तो कोशिश की कि कोविड के नाम पर डराने की। अब राहुल गांधी को पत्र लिखा गया कि कोविड चल रहा है तो आप यात्रा को स्थगित कर दीजिए। मज़े की बात यह है कि उसी समय हमारे प्रधानमंत्री बड़ी रैलियां कर रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के लोग राजस्थान में बड़ी यात्राएं कर रहे थे, उनको कुछ नहीं कहा गया, राहुल गांधी को कहा गया और उन्होंने कहा कि भाई मैं अपनी यात्रा को जारी रखूँगा। और ये यात्रा से जुड़े हुए जो सवाल हैं, यात्रा में पहले बात तो खुद राहुल गांधी इसको जो कहते हैं कि उनके लिए ये एक तपस्या है। और अभी तक हम अगर यात्रा को देखें, द जर्नी ऑफ द यात्रा देखें, तो इसमें स्पष्ट हो जाता है कि इसका मुख्य उद्देश्य एक तरफ नैतिक है, एक तरफ आध्यात्मिक है। और राहुल गांधी जो कहते हैं कि वो एक तपस्वी की भांति चल रहे हैं, ये उनके रोज के कार्यक्रम से दिखता है। अब आप देखिए, सोचिए, करीब 3,000 किलोमीटर चल चुके हैं और 3,500 किलोमीटर चलना है। रोज़ 20 से 25 किलोमीटर चल के जो शेड्यूल बना था, उस शेड्यूल पर वो चल रहे हैं। तो ये एक काफ़ी, जब तक अंदर बहुत बड़ी आध्यात्मिकता, नैतिक साहस और बल ना हो, तो इस प्रकार की बात को करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात काफ़ी स्पष्ट है। दूसरा, इस यात्रा को बदनाम करने के लिए बहुत सारी चीज़ें कोशिश की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, इसके मीडिया सेल की तरफ से। उसकी शुरुआत जब हुई, जो एक छोटी हिजाब पहनी मुस्लिम लड़की राहुल गांधी के साथ चली, तब से उन्होंने लगातार एक के बाद एक लांछन लगाने की कोशिश की है, यात्रा को बदनाम करने की कोशिश की है। और उनका मुख्य मुद्दा जो इसका राजनीतिक प्रभाव है, आध्यात्मिक प्रभाव है, नैतिक प्रभाव है, उसको छोड़कर उन्होंने ऐसे मुद्दों को उठाने की कोशिश की जो जिनका कोई महत्व नहीं है। जैसे राहुल गांधी के टी शर्ट के बारे में बहुत चर्चा हुई, उनको ठंड नहीं लगती है क्या, इस पर बहुत चर्चा हुई। अब ये एक सरल सी समझने की बात है कि जब आप इतने उत्साह से, जोश से, शारीरिक रूप से अपना काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से ठंड कम लगती है। और ठंड भी एक, खैर, मेडिकल साइंस की तरफ से देखा जाए तो किसी लोगों को उन्हीं परिस्थितियों में बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, किन्हीं को कम ठंड लगती है। तो उसको एक मुद्दा बनाया गया जो कि सफल नहीं हुआ। फिर बहुत सारी महिलाएं
वृद्ध महिलाएं, लड़कियां, नौजवान, बूढ़े, सामाजिक कार्यकर्ता, ये सब राहुल गांधी को बहुत प्रेम से और उत्साह से मिले। और इसके बारे में भी कई बार, ख़ास तौर से जब महिलाएं उनसे मिलती हैं तो उनके बारे में उन पर कीचड़ उछालने की कोशिश की गई, पर वो इतने निष्पाप भाव से चलते हैं कि उनकी ये कोशिशें भी पूरी तौर से नाकामयाब हो गई। वो महिलाएं हों या पुरुष, सबको लगता है कि ये व्यक्ति ऐसा है जिसके साथ हम चल सकते हैं, बात कर सकते हैं। एक स्नेहपूर्ण स्पष्ट रूप से सामने आ गई। तो ये दोनों तीनों चीज़ों को देखकर मेरा खुद का जो अनुभव था उसमें एक तरफ से तो मन में बहुत उत्साह आया। सड़क के दोनों किनारे महिलाएं, पुरुष, लड़के, लड़कियां खड़े होकर लगातार राहुल गांधी के बारे में कह रहे हैं, भारत जोड़ो के बारे में कह रहे हैं, और भारत जोड़ो का जो संदेश है इसमें बहुत स्पष्ट है। इसमें नफ़रत की कोई बात नहीं होती। जो नारे लगते हैं वो नफ़रत छोड़ो, भारत जोड़ो, कई लोग अपना संगीत लेकर आते हैं, कई लोग अपने गाने लेकर आते हैं, कई लोग अपनी पिटीशंस लेकर आते हैं, तो उससे एक निश्चित रूप से एक वातावरण बन रहा है कि जहाँ लोगों को भी लग रहा है कि ये हमारी भावनाओं, हमारी ज़रूरतें, हमारी इच्छाओं को अभिव्यक्त करने का एक बहुत उचित माध्यम है। इसके आधार पर लोग इसके साथ जुड़ने में किसी प्रकार का कोई परहेज नहीं रखते। एक आत्मीयता है, एक आत्मीयता जहाँ आप हज़ारों बॉडीगार्ड्स आपको उनसे दूर रखते हैं, आप उन तक पहुँच नहीं सकते, आप उनसे बात नहीं कर सकते। उसके उलट यहाँ लगातार लोग उनको बात कह रहे हैं, पिटीशन दे रहे हैं, अपनी समस्याएं बता रहे हैं। वो समाज के किसान वर्ग के लोग हों, दलित ओबीसी वर्ग के लोग हों, महिलाएं हों, ट्रांसजेंडर हों, दूसरे रिटायर्ड लोग हों, सब उनको अपनी समस्याएं बता भी रहे हैं। और मेरा तो अनुभव ऐसा भी आया कि मैं इस बारे में स्पष्ट था कि उनको सलाहें तो बहुत सारी दी जा रही होंगी, मैं उनसे भी कुछ सुनना चाहता था, और उन्होंने बहुत स्पष्टता से अपने अनुभव बताए। बाबरी मस्जिद टूटने का उल्लेख हुआ तो उन्होंने बड़ी पीड़ा से बताया कि किस प्रकार से उनके पिता राजीव गांधी कहते थे कि बाबरी मस्जिद मेरी लाश पर गिरेगी, मैं अपने जीते जी बाबरी मस्जिद को नहीं गिरने दूंगा। पर खैर, दुर्भाग्यवश राजीव गांधी की मृत्यु हो गई उनका आतंकवादी हमले में, जो LTTE के लोगों ने स्पॉन्सर किया उसमें राजीव गांधी की हत्या हो गई। और राहुल गांधी इसमें काफ़ी अफसोस से बता रहे थे कि ये भारतीय राजनीति का कितना एक दुखद अध्याय रहा है, जिसमें शासकों ने जो सत्ता में थे उन्होंने जो करना था वो नहीं किया और उसी कारण बाबरी मस्जिद टूटी। फिर उन्होंने दूसरी बातें भी अपने RSS की समझ के बारे में कहा, और RSS की समझ के बारे में भी मेरे ख्याल से उन्होंने काफ़ी गहरी बात कही है, क्योंकि आज भारत में RSS के खिलाफ स्पष्ट रूप से बात करने वाले बहुत लोग नहीं हैं, और राहुल गांधी उन लोगों में से हैं जो पूरी स्पष्टवादिता से, एक प्रतिबद्धता से RSS के बारे में, इसका जो नकारात्मक काम है उसके बारे में बात करते हैं। खैर, ये तो हो गई कि अब ये बात दोहराने की ज़रूरत नहीं है कि इस यात्रा को जनता का बहुत बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है, और ये प्रतिसाद इस माहौल को उल्टा उलट कर रहा है जो माहौल खड़ा किया गया था मुख्य रूप से RSS के द्वारा, इसके प्रोपेगेंडा के द्वारा, बाबरी मस्जिद के ध्वंस के द्वारा। बाबरी मस्जिद के पहले जो रथ यात्रा निकाली गई थी, ख्याल कीजिए वो रथ यात्रा थी, टोयोटा गाड़ी में कोई रथ बना के आडवाणी जी, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, निकले थे। वो यात्रा और इस यात्रा में फ़र्क देखिए, वो यात्रा चलती गई, नफ़रत फैलाती गई, हिंसा होती गई, ये यात्रा चल रही है और लोगों को जोड़ रही है। मैंने अपनी आँखों से देखा, इसमें अलग धर्म के लोग, अलग जातियों के लोग, पुरुष और स्त्री, दलित और OBC, सभी लोग पूरे उत्साह से जुड़ रहे थे। बीच में तो मुझे बड़ी हैरानी हुई कि एक पूरा डेलीगेशन, छोटा सा जुलूस इसमें जुड़ने आया, उसमें अंबेडकर का के फ़ोटो थे,
नीला झंडा था और वो अंबेडकर की जय भी कर रहे थे, राहुल गांधी का भी की सराहना कर रहे थे। तो लुब्बो लुआब ये है कि पिछले 25-30 साल में हमारे देश में जो विभाजन करने की बात आई, ये यात्रा उसको दूर करेगी, ऐसा इसके साथ जुड़कर मेरा विश्वास और भी मजबूत हो गया। इसी के साथ साथ दोस्तों, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ये यात्रा अपने आप में वास्तविक एक शुरुआत है। शुरुआत है उस दिशा की है कि भारतीय संविधान के मूल्यों को फिर से जिंदा किया जाए। जो मूल्य आज़ादी के आंदोलन के दौरान आए, उन मूल्यों को वापस लाया जाए। जिन कारणों से अब यात्रा की शुरुआत मैं इसलिए कह रहा हूँ, ये यात्रा उस प्रक्रिया की शुरुआत है जिसको ये करना होगा, जिस प्रक्रिया को ये करना होगा कि देश में जो नफरत की फसल उगाई गई है, उस नफरत को दूर करने के लिए बहुत प्रयास लगेंगे। ये मेरी उम्मीद के भी बाहर था कि मेरे जीते जी इस प्रकार का कोई बड़ा आंदोलन होगा जो नफरत की इस भयंकर सुनामी का मुकाबला करने की शुरुआत करेगी। खैर, यात्रा के सामने चुनौतियां बहुत हैं और वो चुनौतियां ये हैं कि पहला तो अभी आने वाले चुनाव में इसका क्या प्रभाव होगा। निश्चित रूप से वातावरण तो बदल रहा है, पर चुनाव की एक अलग प्रक्रिया है। दूसरी बात यह है, क्या ये यात्रा अपोजिशन पार्टियां जो अलग अलग चुनाव लड़कर मुंह का खाती हैं, ये यात्रा उनको क्या संदेश दे पाएगी कि हम साथ साथ आकर अगर मिलेंगे तो निश्चित रूप से विभाजनकारी राजनीति जो एक पार्टी ने चलाई है उसका हम विरोध कर सकेंगे। ये उसका दूसरा पहलू है। तीसरा पहलू ये है, कई बड़े बड़े विचारकों ने इस पर अपनी राय रखी है। और दूसरी बात यह है कि यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है, इस ट्रैक पर तो इसको काफ़ी मदद मिल रही है, काफ़ी इसका संदेश आगे जा रहा है। पर मुझे खुद अनुभव हुआ जब मैं इसी बीच करीब 3 हफ्ते पहले कलकत्ता गया, तो वहाँ यात्रा के बारे में इतनी बात न कोई कहने को सुनने को मिली, न कहने अगर मैंने कहा भी सही तो उसका प्रतिसाद काफ़ी कमज़ोर रहा। तो दूसरी बात यह है कि इस यात्रा, ये जो शुरुआत है, ये केवल छोटी सी शुरुआत है। छोटी सी वैसे मैं नहीं कहूँगा, अपने आप में बहुत महान यात्रा है, पर इसको जोड़ने के लिए दूसरी यात्राओं की भी ज़रूरत पड़ेगी, दूसरे प्रकार की कोशिशों की भी ज़रूरत रहेगी जो देश के दूसरे भागों में इस प्रकार के संदेश को ले जा सके। ये बहुत ज़रूरी है। अभी 30 जनवरी को ये यात्रा ख़त्म होगी, उसके बाद 2-3 महीने के बाद, 4 महीने के बाद कोशिश होना चाहिए कि पूरब से लेकर पश्चिम तक एक यात्रा निकले जो एक दूसरे माहौल को खड़ा कर सके। तीसरा इसमें महत्वपूर्ण मुद्दा ये है कि जो विपक्ष के लोग हैं उनको संदेश देना ज़रूरी है कि यात्रा भले ही कांग्रेस के नेतृत्व में हो, ये यात्रा भले ही राहुल गांधी के नेतृत्व में हो, पर ज़रूरत इस बात की है कि आप भी इस प्रकार के एजेंडा को स्वीकार करो, इस प्रकार के लक्ष्य को स्वीकार करो कि आप का जो आप क्षेत्रीय पार्टी हैं, आप दूसरे प्रकार की पार्टी हैं, आपका जो भी काम है उसमें प्रेम की बात करना, मोहब्बत की बात करना, ये आपके लिए भी ज़रूरी है। तो अगर ये एक छोटा कार्यक्रम हो सकता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, सामान्य छोटा प्रोग्राम सबके बीच में हो सकता है कि हम बात करेंगे मोहब्बत की, हम मुकाबला करेंगे नफरत का, हम रास्ते पे चलेंगे संविधान के, ये बात पर अपोजिशन पार्टीज़ को आकर साथ में चलना ज़रूरी होगा। अंग्रेज़ी में एक मुहावरा है, लेट्स हैंग टुगेदर अदरवाइज विल बी हैंग सेपरेटली। हम सब साथ साथ आएँ, नहीं तो हमको अलग अलग ख़त्म कर दिया जाएगा। चौथी बात जो इसमें है, कई सिविल सोसाइटी ग्रुप्स जैसे योगेंद्र यादव, गणेश देवी, ऐसे बहुत बड़े बड़े नाम हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और ये एक बहुत अच्छा संकेत देते हैं, पर इसके आगे भी चल कर जाने की ज़रूरत है। बहुत सारे सिविल सोसाइटी ग्रुप्स को लगता है कि कांग्रेस ने अभी तक जो गलतियाँ की, हम उनके साथ कैसे पूरा पूरा समर्थन कर सकते हैं। उनकी बात से भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि कांग्रेस ने अपने राजनीतिक जीवन में बहुत गलतियाँ की हैं। एक बार जवाहरलाल नेहरू ने कहा था, हमारी पार्टी में बहुत सारे सांप्रदायिक लोग घुस आए हैं
और हमें अपनी पार्टी के बीच में एक सिद्धांतों के आधार पर पार्टी को बनाना चाहिए। तो ये आलोचना सिविल सोसाइटी ग्रुप्स की सही है, पर उनसे मैं इतना ही निवेदन करूंगा कि आज अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ऐसा एक कोएलिशन बनने की ज़रूरत है जिसमें सिविल सोसाइटी ग्रुप्स सही बात को उठाते रहें। सत्ता पे कोई भी हो, कल कोई भी प्रधानमंत्री हो, अगर वो प्रधानमंत्री सही सिद्धांतों पर नहीं चल रहा तो उसकी आलोचना करना बिल्कुल ज़रूरी है। स्वीकार करते हुए मैं ये कहूँगा कि उन सिविल सोसाइटी ग्रुप से अपील करूँगा कि आप इन बातों से जुड़िए। ये एक शुरुआत है, ये एक ऐसा आंदोलन है जिस पर आप प्रभाव डाल सकते हैं, जिसकी आप दिशा बदल सकते हैं। और ये दिशा अगर न बदली गई तो जैसे हम देख रहे हैं अल्पसंख्यकों मुस्लिम्स के अधिकारों का हनन, अभी अभी छत्तीसगढ़ में क्रिश्चियंस के खिलाफ कितना एक आतंक का माहौल है, दलितों पर किस प्रकार की हिंसा हो रही है, महिलाओं पर किस प्रकार की हिंसा हो रही है, इसमें कोई रुकावट नहीं आएगी अगर ये सरकार बदली नहीं तो। सरकार को बदलना ज़रूरी है, साथ में आना ज़रूरी है, और आगे आने वाली सरकार के खिलाफ भी, आगे आने वाली सरकार पर भी एक दबाव डालने की ज़रूरत है कि आपका कर्तव्य है सेकुलरिज्म के रास्ते पर चलें, सेकुलरिज्म को जो बदनाम किया गया है उसको एक सही दिशा दें, सेकुलरिज्म को एक प्रतिष्ठा जो आज़ादी के आंदोलन में थी उसको दें, और यहाँ के अल्पसंख्यक समाज को, यहाँ के कमज़ोर दलित समाज को, मजदूर वर्ग को, और जिन लोगों ने शाहीन बाग का आंदोलन किया था उन महान उन महिलाओं को, उन सबको एक आश्वासन हो कि एक ऐसी सरकार आएगी जो हमारे मुद्दों को सुनेगी और एक देश की दिशा बदलेगी ताकि हम एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में सांस ले सकें। तो दोस्तों, मेरा तो अनुभव केवल एक दिन का था, मेरी जो भी सीमितताएं हैं उसके बावजूद एक दिन में शामिल रहा, और मुझे एक बहुत अनुभव हुआ कि मैं एक जिस व्यक्ति के साथ चल रहा हूँ वो एक तरफ से बहुत विकसित व्यक्ति है, दूसरी तरफ से वो जो कर रहा है वो किसी प्रकार से तपस्या से कम नहीं है, तपस्या से कम नहीं है। पर खैर, व्यक्तियों के आधार पे समाज नहीं चल सकता, समाज चल सकता है सिद्धांतों के आधार पे। तो उन सिद्धांतों को ज़िंदा रखने के लिए इन लोगों के खिलाफ जो लोगों ने नफ़रत फैलाई है, उन सिद्धांत उन बातों के खिलाफ, उस विचारधारा के खिलाफ जिसने नफ़रत फैलाई है, हमें काम करने की ज़रूरत है ताकि हम निश्चित रूप से एक बेहतर समाज बना सकें जिसमें पूरी पूरी इज्जत के साथ, पूरी पूरी सुरक्षा के साथ, पूरे पूरे जीवन के अधिकार के साथ, पूरे पूरे अपने नागरिक अधिकार के साथ हम सब जी सकें, खुशहाली से, कंधे से कंधा मिलाकर, प्रेम से, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को ज़िंदा रखते हुए, अपने पड़ोसी से प्यार करो की बातों को ज़िंदा रखते हुए, पड़ोसी के खाने पीने का ख्याल रखो इसकी बातों का रखते हुए हम एक अच्छे भारत को बना सकें, आगे ले जा सकें, यही हमारे आगे का रास्ता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। एक तपस्वी के साथ मैं चला, मुझे बहुत अच्छा लगा, और ये जो मैंने सीखा उस दिन लोगों से जो प्रतिसाद मिला, उनकी तकलीफ़ों को, उनके उत्साह को देखकर जो मुझे सीखने को मिला, वो मेरे ख्याल से मेरे लिए एक अविस्मरणीय अनफॉरगेटेबल अनुभव है, और वो अनुभव ऐसा है जो हमें आगे का रास्ता भी दिखाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत धन्यवाद।